बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ा डिटेल में, और उनके फंक्शंस को भी थोड़ा देखेंगे कि किस तरह स्केलेटन मसल्स वर्क करते हैं। सही। सो स्केलेटन मसल्स, यानी इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके थे, ये वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, लाइक ये ट्राइसेप और बाइसेप आपको नजर आ रहे हैं। सही। और स्केलेटन की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और जहां से मसल अटैच होते हैं उस एरिया को क्या कहा था हमने, बोला टेंडन। ठीक है जी, टेंडन। सो टेंडन्स के जरिए मसल जो हैं वो इसके साथ अटैच, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। और ये नीचे बैली है या उसका मांस मसल कह सकते हैं। सही। सो स्केलेटन मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस भी थी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें मजीद समझ आएगी किस तरह स्ट्रिएशंस इनके अंदर बनती हैं। सो बेसिकली स्केलेटल मसल्स जो से है ना, ये सर्कुलर होते हैं। सबसे पहले तो चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, दे आर सर्कुलर, जिस तरह ट्यूब में होते हैं। ठीक है, ट्यूब शेप या सर्कुलर हो गए। ट्यूब यानी सर्कुलर से मतलब यहाँ पे ट्यूब भी कह सकते हैं, या ऐसे अगर मजीद सही तरीके से कहें ना तो सर्कुलर के जगह पे हम बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, कि ये सिलेंड्रिकल की तरह शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल। सही। और स्ट्रिएशंस थी इसके अंदर, हमें पहले पढ़ चुके हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी मौजूद हो सकते हैं एक सेल के अंदर, मल्टीपल न्यूक्लियाई। सही। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, कि ये वॉलेंट्री इन कंट्रोल थे। वॉलेंट्री इन कंट्रोल यानी जब हम इसे चाहें अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे मूव कर सकते हैं, जब चाहे इन्हें रोक सकते हैं। सो वॉलेंट्री इन कंट्रोल थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। सो ये जो सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर है, हम इस स्ट्रक्चर का थोड़ा डिटेल लेते हैं। मसलन आपको एक डायग्राम दिखाते हैं हम, ये इसके अंदर आपको वाजह नजर आएगा कि ये मसल मास है। ठीक है, यानी दिस इज अ मसल। मसल्स के अंदर ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या है आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, ये क्या है, मसल मसल फाइबर्स नहीं बल्कि सॉरी से मसल बंडल्स कहेंगे, मसल बंडल। ठीक है, यानी इसमें देखें कितने ज्यादा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी इसमें मसल बंडल्स हैं। फिर हर मसल बंडल के अंदर आपको मसल फाइबर नजर आएगा। ठीक है, ये अब ये जो सी चीज है, इट इज मसल फाइबर, मसल फाइबर। और यही फाइबर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, यही फाइबर्स इनके क्या कहलाते हैं, सेल्स। ठीक है जी, दीज फाइबर्स आर आल्सो नोन एज सेल्स। अब इस मसल फाइबर को उन्होंने कह लेंगे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है। सही। अब ये एक सेल है एक किस्म का, और इस सेल का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इसमें आपको सबसे बाहर सार्कोलेमा जो कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन। फिर सार्कोप्लाज्म जो इसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पे आएगी, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। सही। सो यानी ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो वाजिया और ऑर्गेनेल्स नजर आ रही है, एक तो सार्कोलेमा है जो कि इसकी मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये मसल सेल है तो स्पेशल मेम्ब्रेन, इसलिए सार्कोलेमा कहा जाता है। जिस तरह सार्कोप्लाज्म है उसी से रिलेटेड, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है या फिर ये भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपको साइड नजर आएगा, दिस वन इज आल्सो न्यूक्लियस। सही। सो न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह साइटो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि इसके कह लेंगे अंदर फैली हुई, काफी इसके नेटवर्क्स बने हुए हैं और थोड़े से डिफरेंट है। सही, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो साइड पर पिचका हुआ है। ठीक है, बीच में क्योंकि ये मसल्स के फाइबर्स आने थे। ठीक है, ये मसल फाइबर्स जो से हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे बीच में। सही, ये आगे मायोफिब्रिल जिन्हें कहा जाता है। सही है, मायो फिब्रिल्स जो फाइबर्स के अंदर फर्दर कह लेंगे, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, मायो फिब्रिल्स हैं, और मायो फिब्रिल्स के अंदर मायो फिलामेंट्स होती हैं। ठीक है, मायो फिब्रिल्स के अंदर मायो फिलामेंट्स, जो असल वर्किंग एलिमेंट्स है वो मायो फिलामेंट्स हैं। सो क्या स्टेटस होगा मसल्स का, यानी मसल्स के अंदर मसल बंडल्स आए, बंडल से मसल फाइबर, यानी मसल्स मसल बंडल्स में ये यानी फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, मसल बंडल्स जो से मसल फाइबर्स के अंदर, मसल फाइबर्स जो से आगे मायोफिब्रिल। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। सो यानी मायोफिब्रिल आएगा, यानी किस तरह के मसल फाइबर
मायोफिब्रिल्स में आएंगे, मायोफिब्रिल्स आगे मायोफिलामेंट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। इसमें जो मसल फाइबर का जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर है, ठीक है, यानी 10 पावर माइनस 6 के अंदर आएगी वैल्यूज, सही है, मीटर्स के अंदर, 10 पावर माइनस 6 मीटर्स के अंदर आएगी। जबकि जो इससे छोटे यूनिट है, यानी जिसे हम मायोफिब्रिल्स कह रहे हैं, ठीक है, ये 1 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, 1 to 2 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा, सही। सो मसल फाइबर्स जो से हैं ये 10 to 100 माइक्रोमीटर के हैं, जबकि उसके अंदर जो मायोफिब्रिल्स जो उसके अंदर फैले हुए हैं, इसके साइड कहना इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो 1 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। अगर मायोफिब्रिल्स को मजीद डिटेल में देखा जाए, सही, तो इसके अंदर मसल इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, सही, तो आप अगर इसकी मजीद डिटेल देखें, ये मायोफिब्रिल है, तो मायोफिब्रिल्स के अंदर आपको मजीद मायोफिलामेंट्स नजर आएंगे। इसमें दो किस्म के फिलामेंट्स हैं, एक हैं जी लाइट कह लेंगे जो हल्के होते हैं, ठीक है, ये एक्टिन कहलाते हैं, दिस वन इज एक्टिन, ठीक है, और ये जो बड़े फिलामेंट्स हैं, ठीक है, वैसे साइज एक जैसा, लेकिन बेसिकली इनका कह लेंगे साइज या डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है, मायोसिन होते हैं, ठीक है जी, एक्टिन मायोसिन, इस तरह ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दो और प्रोटीन्स है जो उनके साथ शामिल होते हैं, एक्टिन भी प्रोटीन है मायोसिन भी प्रोटीन है, तो इनके ये फिलामेंट्स बने होते हैं। इन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि ये कुछ बैंड्स बनाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, मसलन ये आपको लाइट कलर में नजर आ रहा है, ये डार्क कलर है, ठीक है, सो ये जो सा है आई बैंड कहलाता है, दिस वन इज आई बैंड, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिस वन इज आई बैंड, और ये जो सा है ये यहां से लेकर यहां तक ये जी बैंड कहलाएगा, सॉरी जी बैंड नहीं बल्कि ए बैंड कहलाएगा, ठीक है, अब ये मैं ऊपर ही लिखे जा रहा हूँ, दिस वन इज ए बैंड, सही। ए और आई से बनता है क्या है, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है जी, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक, सही, और आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं कि ये लाइट की कह लें कि लाइट जब इसमें से पास होती है तो ये लाइट को पोलराइज कर सकता है, ठीक है, यानी ए बैंड में से जब लाइट पास होती है तो इट पोलराइजेस लाइट, यानी पोलराइज करेगा किसको, लाइट को, ठीक है, ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है इसकी कि जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये पोलराइज करता है, जबकि आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, डू नॉट पोलराइज, डोंट पोलराइज, ये लाइट को पोलराइज नहीं करेगा, सही। सो ये हो गया हमारा एक पूरा कह लें कि अच्छा, ये जो आई बैंड और ए बैंड, फिर इस तरह एक और आगे आई बैंड आएगा, सही, मसलन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि मसलन ये अब आई बैंड है, दिस वन रेड वन इज आई बैंड, ठीक, फिर बीच में ये ग्रीन वन ए बैंड, फिर आगे जाके एक और आई बैंड आएगा इस तरह, ये आई बैंड, सही। सो आई बैंड, दिस वन इज आई बैंड, फिर बीच में ए बैंड, सो ये जो आई से लेकर फिर बीच में ए, फिर अगेन आई जैसा है, ये सारे का सारा एक छोटा यूनिट कहलाता है मसल का, जिसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, इट इज नाउन एज सार्कोमेयर, सही। और ये सार्कोमेयर जो सा ये फंक्शनल यूनिट कह लेंगे, इसका क्या है, फंक्शनल यूनिट है, यानी हम आगे जब इसका कह लेंगे फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सार्कोमेयर का फंक्शन पढ़ेंगे जो कि पूरे मसल्स को डिस्क्राइब करेगा, सही। सो ये हो गया मसल्स की कह लेंगे, क्योंकि हमने एनाटॉमी स्टडी की, थोड़ा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसे। मसल हमने कहा जी के मसल्स जो हैं वो मसल बंडल से बने होते हैं, और मसल बंडल्स फिर आगे मसल फाइबर्स जिनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, सही, और फिर मसल फाइबर जो से हैं वो आगे मायोफिब्रिल्स, मसल फाइबर सेल्स भी कहलाते हैं, ठीक है, यानी ये इसके सेल्स हैं, मसल सेल्स कहेंगे हम इसे, और दे आर मल्टीपल न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस होता है, मसल एक ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये है और इस साइड पे न्यूक्लियस नजर आएगा आपको, और फिर ये मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं,
सही। सो मायोफिलामेंट्स का बेसिकली हम फंक्शन स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर मसल्स का सारा फंक्शन बेस करता है। इसके अलावा इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होगा जो कि इसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, जाहिर बात है एनर्जी चाहिए होगी इन्हें, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी जो कि इसको कहने के कैल्शियम सप्लाई करेगी। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम सप्लाई जरूरी होते हैं इनके लिए, सही। और ये फिर टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बनेंगे, ये भी आगे हम फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे, सही। यानी ये ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स हैं और टर्मिनल सिस्टर्न आई है, ठीक है। इनका बड़ा रोल होता है आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा बात की मायोफिब्रिल्स की, तो मायोफिब्रिल्स का डायमीटर 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। मायोफिब्रिल्स जो है वो मायोफिलामेंट से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन दो मेन फिलामेंट्स हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट होती है, ये इस तरह बैंड से बनाते हैं, ठीक है। एक लाइट बैंड होता है जिसे हम आई बैंड कहेंगे, और एक डार्क बैंड होता है जिसे हम ए बैंड कहेंगे, सही। और आई बैंड स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, ए बैंड स्टैंड फॉर, ये बैंड है सॉरी, यहाँ पे मैं बैंड, सो ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक, सही। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि ये पोलराइज नहीं करता लाइट को, जबकि एन आइसोट्रॉपिक लाइट को पोलराइज करता है। अब लाइटनिंग की पोलराइजेशन जो सी है, ये अब फिजिक्स का टॉपिक है, मे बी आपने पहले पढ़ा। अच्छा चले, हम इसको मसल्स को एक और डायग्राम स्टडी करते हैं, वो भी बहुत इजी से डायग्राम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो। अब इसमें सिर्फ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी वो पीछे जो सा था लिंक वो नहीं है। अब इसमें ये आई बैंड है और ये बीच में ए बैंड है, और ये बीच में जो सी आई बैंड के दरमियान से लाइन नजर आ रही है आपको, ये जी लाइन है, सही। और ये टी ट्यूब्यूल्स को रही है जो कि इसके सार्को प्लाज्म रेटिकुलम का हिस्सा है, सही, और इसके साथ लिंक होता है इसका। और ये मायोफिब्रिल्स हैं जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नजर आ रहा है आपको, जो मोटे वाले हैं ये एक्टिन है, सॉरी जो मोटे वाले हैं वो मायोसिन है, जो छोटे बारीक आपको नजर आ रहे हैं ये एक्टिन है, सही। तो एक्टिन मायोसिन, इस तरह ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी इनके साथ अटैच होती है, वो भी हम देखते हैं किस तरह होती है, सही। और फिर इसमें आई बैंड ए बैंड हो गया, इसमें ये जी लाइन होगी, आई बैंड के दरमियान जो सी लाइन जा रही है ये जी लाइन होती है, ठीक है, जो कि इस तरह क्रॉस सेक्शन जगह मिला। और इस तरह ही ए बैंड के अंदर भी एक लाइन जा रही है, इस लाइन को एच एच लाइन कहा जाता है, ठीक है, या फिर ये पूरा जोन जो सा यहाँ से लेकर ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सा ये एच जोन बनता है, एच जोन, सही। सो जी लाइन, एच जोन, आई बैंड, ए बैंड, आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, ए स्टैंड फॉर एनिसोट्रॉपिक, यानी ए जो सा है वो लाइट को पोलराइज करता है, और जबकि आई जो सा है वो आइसोट्रॉपिक, यानी ये पोलराइज नहीं करता। वो क्या, साइकोप्लाज्म रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा आपको, इसमें ये न्यूक्लियस यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा आपको फील होगा, डायरेक्ट शेप नहीं आ रही लेकिन न्यूक्लियस साइड पे है, सही, न्यूक्लियस हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म हो गया, सही। सो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, जो कि मसल सेल भी है। ओके, अब हम इनके फिलामेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स को स्टडी करने के लिए एक और डायग्राम को नजर आ रही है, इसमें बहुत क्लियर है मसल। ये थिन फिलामेंट है, नीचे थिक फिलामेंट है। थिन फिलामेंट को हमने एक्टिन कहा था पीछे, लेकिन एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन भी ऐड होती है और ट्रोपोनिन भी ऐड होती है, यानी एक्टिन के साथ क्या क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन, सही, और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, यानी ये तीनों इसके हम इसके साथ अटैच होती है। मसलन ये आपको ट्रोपोनिन आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, सही, ये अटैच है, और ट्रोपोमायोसिन ये आपको बीच में सिलेंड्रिकल जो कि हेलिकल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये थिन फिलामेंट टोटल बनेगा, ठीक है। और थिक फिलामेंट पे अगर आए, अच्छा थिन फिलामेंट का जो साइज होता है ना, डायमीटर, सॉरी, यानी इसकी जो चौड़ाई होगी ये 7 से 7 to 8 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। अब नैनोमीटर का पता होना चाहिए, 10^-9 मीटर की कैटेगरी के अंदर आता है, सही। सो ये हो गया एक्टिन, जिसे हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, थिन फिलामेंट, ठीक है। दूसरा हो गया मायोसिन, मायोसिन जिसे थिक फिलामेंट कहते हैं, इसकी जो यानी मोटाई होगी, डायमीटर जो सा होगा, इट इज अबाउट 16 नैनोमीटर, सो ये डबल है ऑलमोस्ट, उसकी जो सी चौड़ाई है उनसे ये डबल है, 16 नैनोमीटर का है, सही। और इसके अंदर यानी ये मायोसिन की प्रोटीन है कह लेंगे, थिक फिलामेंट है,
और इसके ऊपर एक हेड लगा होता है, यानी एक हेड जिसे पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है, इट इज पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, सही। और बेसिकली ये इनकी बाइंडिंग कराने में मदद करता है, सही, इट्स यूजली बाइंड्स, यानी इस तरह ये इसके साथ बाइंड होगा। कि वैसे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट सेपरेटेड होते हैं, लेकिन इनके दरमियान बाइंडिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कि कैल्शियम आयन आता है वो इसके पोलो यानी थिक फिलामेंट के पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, जो कि थिन फिलामेंट का हिस्सा है, सही। सो इनकी बाइंडिंग कौन कंट्रोल करता है? कैल्शियम, सही। सो जो फंक्शनिंग है इनकी, यानी हम आगे मसल की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, तो उसमें कैल्शियम का बड़ा रोल है, जिसके जरिए मायोसिन और थिन फिलामेंट यानी एक्टिन आपस में बाइंड होता है। सो अभी तक जो हमने हायरार्की डिस्कस किया, लाइक मैं यहाँ पे राइट पिक कर देता हूँ, लाइक हमने सबसे पहले मसल्स पढ़ा। मसल्स के अंदर हमने क्या कहा कि मसल्स बंडल्स होते हैं, मसल्स बंडल्स, दे आर मेड अप मसल बंडल्स। फिर मसल बंडल्स के अंदर हमने यानी मसल फाइबर्स स्टडी किए, मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स की स्टेज को हमने दूसरा क्या नाम दिया था कि ये सेल हैं, दीज आर सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। और फिर मसल फाइबर्स के अंदर हमने मायोफिब्रिल्स देखे, मायो फिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स आगे मजीद डिफ्रेंशिएट हुए किसके अंदर? मायो फाइबर्स में, या मायोफिलामेंट्स कह लें, सॉरी मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के आगे फिर दो टाइप्स हुई, एक है जी थिक फिलामेंट, और एक है जी थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट में हमें क्या यानी देखते हैं, थिक फिलामेंट में क्या होता है, दैट इज मायोसिन प्रोटीन, और थिन फिलामेंट के अंदर तीन प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, सही। सो ये हमारा पूरा हायरार्की बन गई किसकी? मसल्स की, लाइक मसल्स, मसल्स मेड अप मसल्स बंडल्स, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं जिसे हमने सेल्स कहा था, जिसके बाहर सार्को यानी सार्कोलीमा था, और फिर सार्कोप्लाज्म, सारे स्टेजेस के ऊपर पढ़े हमने, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल्स भी इसी स्टेज पे आए थे। और फिर ये मसल फाइबर्स मायोफिब्रिल से बने, मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स थे, जिसमें दो टाइप्स थे, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट्स। और फिर हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देखा, दैट इज 16 नैनोमीटर के थे, और एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट बनाते हैं, जो कि 7 to 8 नैनोमीटर था, सही। सो ये तो हो गया हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कह लें कि इसके अंदर हमने मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। अब मसल्स की फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल है, जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल दिया किसने था? ये दो साइंटिस्ट थे, इन्हें दो भाई कह लें, एच हग्सले और फिर ए एफ हग्सले है, ठीक है जी। इन दोनों ने 1954 के अंदर, इन 1954 इनके साथ फिर को वर्कर्स भी होते हैं, जाहिर बात है पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर, इनके साथ को वर्कर भी थे, सही। उन्होंने ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बनाया था, जिसके अंदर मसल्स के फंक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया, सही, बहुत सिंपल है। इन्होंने सार्कोमेयर का उठाया, लाइक ये स्ट्रक्चर आपको सार्कोमेयर का नजर आ रहा होगा, दिस वन इज, थोड़ा बड़ा कर, मतलब ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये थिन फिलामेंट है, जिसके अंदर एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, और ये थिक फिलामेंट है जो मायोसिन बना हुआ है, और उसके ऊपर ये क्या कहते हैं इसे, पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी मायोसिन के ऊपर पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स था, और पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स ऊपर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता था इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और ये आपको आई बैंड नजर आ रहा है, आइसोट्रॉपिक, ये ए बैंड एंड आइसोट्रॉपिक, और ये फिर अगेन आई बैंड, तो जिसमें एक दो आई बैंड और एक ए बैंड इंक्लूड हो, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, यानी ये जी लाइन से स्टार्ट हो रहा है और जी लाइन पे एंड होगा, सो दिस इज अ सार्कोमेयर, ठीक है। सो जो
मसल्स की फंक्शनिंग होती है उस सार्कोमेयर लेवल पे जाके डिस्क्राइब की जाती है। तो होता है क्या है कि जो यानी जो ही कहने के नर्व मैसेज पहुंचाता है, यानी पीछे से मैसेज कहाँ से आएगा, नर्व अपना मैसेज पहुंचाएगा किसको, मसल्स को, ठीक है, मसल्स के कह लेंगे सेल्स तक आएगा इसका नर्व का मैसेज, और नहीं नर्वस सिस्टम है ऊपर, नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं ना, यानी हम अपने सोच से या अपने जहन से यानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले हमारा नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा, मतलब हमारे बाजू को मैसेज भेजता है, ठीक है, मसल सेल्स तक जाएंगे, मसल सेल्स में जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो मैसेज रिसीव करती है, और फिर बीच में कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, वो सारा फंक्शन हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सार्कोमेयर तक मैसेज आएगा किस शक्ल के अंदर, कैल्शियम के अंदर, यानी लास्ट में सार्कोमेयर का क्या रिसीव होगा, कैल्शियम, सही, और कैल्शियम फिर इधर आके बाइंडिंग करवाएगा, ठीक है, और बाइंडिंग के बाद ये जो टाइटिन प्रोटीन्स हैं, ये कह लेंगे यानी ये थिक फिलामेंट्स जो से है, ये थिन फिलामेंट्स को खींचेंगे, ठीक है, दे विल स्लाइड इट टू वर्ड सेंटर, ठीक है, यानी बाइंडिंग के बाद वो इनको सेंटर की तरफ स्लाइड कराएंगे, सही। तो अगर मैं इनकी अलग से डायग्राम बनाऊँ, इसी चीज की मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, लाइक ये थिक फिलामेंट्स हैं, ये तीन मैंने थिक फिलामेंट्स बनाए हैं, फिर इसके सेंटर के अंदर ये थिन फिलामेंट्स हैं, जिस तरह आपको उधर स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये थिन फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं, जी लाइन पे, सही। सो होगा क्या, इनके तो बॉन्डिंग बनेगी, और ये जो से है इसे अपने सेंटर की तरफ खींचेगा लाइक दिस, ठीक है, यानी ये बाइंडिंग होंगे कि दिमाग किसकी मौजूदगी के अंदर, कैल्शियम आयन की मौजूदगी, कैल्शियम आयन इन्हें बाइंड करवाएगा, और फिर उसके बाद या एक दूसरे को सेंटर की तरफ खींचेंगे, लाइक दे विल पुश टुवर्ड्स इट सेंटर। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इसमें लाइक वही सेंटर के अंदर थिक फिलामेंट होगा और लाइंस इस तरह आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, और आई बैंड, सॉरी, जो जी लाइन है बिल्कुल इसके कह लें के बिल्कुल करीब आ जाएगी, सही। सो ये जो बीच में आई बैंड था ना, ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इट विल डिसअपियर, सही, यानी क्या होगा कि कैल्शियम आयन्स जो ही रिसीव होंगे, एटीपीज भी जारी बात है, कैल्शियम के साथ एटीपीज भी चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होगी, बहुत जरूरी है। सो एटीपीज प्लस कैल्शियम आयन्स जब से रिसीव होंगे सार्कोमेयर को, सार्कोमेयर में क्या होगा कि जो थिक फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स को सेंटर की तरफ घसीटेंगे, स्लाइड करवाएंगे, सही, और रिजल्ट में क्या होगा, जी लाइन जो सी है वो बिल्कुल थिक फिलामेंट के करीब आ जाएगी, और रिजल्ट में आई बैंड खत्म हो जाएगा। इस तरह जो इसका साथ वाला सार्कोमेयर होगा उसमें भी यही हालत होगी बिल्कुल, के जो इसका जी बैंड है बिल्कुल खत्म, सॉरी आई बैंड जो सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जी लाइन आपको नजर आ रहा है, ये भी जी लाइन है, जी लाइन और ये थिक फिलामेंट बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सो इस तरह ये स्लाइड करवाते हैं, और इसमें कैल्शियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम इसे अच्छा इनके थोड़ी सी ना ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डायग्राम भी नजर आ रही है आपको, सो ये बीच में एम लाइन है ए ए बैंड के अंदर, ठीक है, ये एच जोन बनता है इसका, और ये आई बैंड है, सही, और ये जब स्लाइड होगा बिल्कुल तो बीच में से आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा, ये बिल्कुल इस करीब आ जाएगा इस तरह। अब उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, सही, कि आपको फॉर जस्ट सपोज के जो रेड वाले साइन है ये थिक फिलामेंट है, और ये जो ग्रीन है इस केस में ग्रीन है, नीचे थोड़ा ब्लू बना दिया मैंने, सो खैर ये थिन फिलामेंट्स हैं, और जब ये स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल जो इसकी कह लें कि जी लाइन है वो बिल्कुल थिक फिलामेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें कह लेंगे स्पेस नहीं रहेगी लाइक देख। तो इस तरह सार्कोमेयर का जो स्ट्रक्चर है पहले ज्यादा था, अब उसकी लेंथ कम हो जाएगी, लाइक यहाँ से ये लेंथ थी पहले और अब उसकी लेंथ ये हो जाएगी। सो इस तरह जब सारो सार्कोमेयर जो से जितने भी कह लेंगे यूनिट्स हैं मसल्स के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके रिजल्ट के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
सही। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, नहीं ये बीच में ब्रिजेस कैसे बनते हैं और ये मासेज कहाँ से आता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सो आज हम रिवाइज करते हैं, हमने कहाँ स्टार्ट किया, स्केलेटल मसल से। तो हमने कहा जी सिलेंड्रिकल्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल होंगे। स्ट्रिएशंस होते हैं, इनके लाइनिंग नजर आती है और उसकी वजह क्या थी, नीचे बैंड्स हमने स्टडी किए, थिक और थिन बैंड, थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं जो बैंड्स बनाते हैं, उनको स्ट्रिएशन नजर आती है, लाइनें सी। मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे, वॉलेंट्री इन कंट्रोल, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टेंडन वो टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके जरिए मसल बोन के साथ अटैच होता है। फिर हमने मसल का स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा मसल्स के अंदर मसल बंडल्स आएंगे, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स जो कि सेल्स भी कहलाते हैं, मसल सेल्स हैं, और 10 to 100 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा। फिर सेल्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखे, मसल सार्कोलीमा होगा जो कि मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होगा, इसके फिर सार्कोप्लाज्म होगा जो कि साइटोप्लाज्म की जगह पे होगा, इसके अलावा इंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जगह पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, और न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आएगा, सही। और फिर ये आपको अंदर मायोफिब्रिल्स नजर आएंगे, ये मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स, जिसके अंदर एक्टिन मायोसिन दो मेन फिलामेंट्स होते हैं, और इसके अंदर बैंड्स बनते हैं, एक ए बैंड होता है, एक आई बैंड। ए बैंड स्टैंड फॉर एनिसोट्रॉपिक, यानी ये लाइट को पोलराइज कर सकता है, और आई बैंड स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, ये पोलराइज नहीं करता। और फिर हमने इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी पढ़ी जिसके अंदर हमने यही चीज़ डिटेल में दोबारा स्टडी की, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, और बीच में ये एम लाइन होती है, सॉरी ये जो बीच में लाइन होगी ये दिस वन इज एम लाइन, सो जी लाइन होगी, एम लाइन होगी। देन नीचे हम आए, हमने देखा फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर, तो एक्टिन जो सा है ये थोड़ा स्पाइरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन भी होती है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, सही। यानी और इसमें जो ट्रोपोनिन है वो मायोसिन के साथ बाइंडिंग करेगी कैल्शियम की मौजूदगी के अंदर। मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट है, इसका कह लें कि एक तरफ पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है, और बकाया इसका जो डायमीटर वो 16 नैनोमीटर तक है, और जबकि थिन फिलामेंट का साइज जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर, और नैनोमीटर टर्म्स वो -9 मीटर की कैटेगरी में आता है। और फिर हमने तो यानी ये स्कीम बनाई कि मसल्स, मसल्स बंडल्स बनेंगे, मसल फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स, फिर मायोफिलामेंट्स, देन थिक और थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स में एक्टिन, और सॉरी थिक फिलामेंट में मायोसिन आएगी, और सॉरी ये एक्टिन है, एक्टिन लिख लिया मैं, एक्टिन एक्टिन, और थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं, सही। और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पे आए जो कि एच एक्सले और ए एफ एक्सले दो भाई थे, उन्होंने उनके साथ को वर्कर थे 1954 के अंदर पेश किया। उन्होंने कहा जी कि बेसिकली जो थिक फिलामेंट हैं दे विल क्रॉस ब्रिज विद द थिन फिलामेंट्स, यानी अपनी क्रॉस ब्रिजिंग करेंगे थिन फिलामेंट के साथ, एंड दे विल स्लाइड द थिन फिलामेंट्स सच दैट द सार्कोमेर स्ट्रक्चर इज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी पूरा सार्कोमेर का जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सुकड़ जाएगा, सही। यानी थिक फिलामेंट विल क्रॉस ब्रिज विद द थिन फिलामेंट्स एंड दे विल स्लाइड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी टुवर्ड्स इट्स लाइन, एंड जो आई बैंड होगा इट विल डिसअपियर, ठीक है, क्योंकि ये सार्कोमेर एक, ये सार्कोमेर इस तरह आगे एक सार्कोमेर होगा, जब सारे सार्कोमेर के अंदर ये जो एक्टिन क्या नहीं या थिन फिलामेंट्स है वो स्लाइड करके सेंटर तक जाएंगे, तो बीच में आई बैंड या जो आई स्पेस है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कैल्शियम और एटीपीज का रोल होता है, ये मैंने साइड पे बना के भी दिखाया था आपको, मसल ये, सो ये बीच में रेड जोन सा था वो मायोसिन था, और ये यानी थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट्स, और ये स्लाइड हुआ कैल्शियम की मौजूदगी के अंदर, और इस तरह एक स्ट्रक्चर बना, तो इसका टोटल जो सी लेंथ थी वो कम हो गई, ठीक है, यानी यहाँ पे ज्यादा लेंथ है, यहाँ पे कम है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो जब सारे सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होंगे हर सेल के अंदर, मसल के हर पार्ट के अंदर, सो सेल के अंदर मसल का जो साइज है वो भी कम हो जाएगा और सुकड़ कर सेंटर तक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपकी मसल की बैली भी बनती है, बैली इसलिए बनती है क्योंकि वो जब दोनों सेंट्रलाइज होंगे तो उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है, इसके अलावा बीच में ब्लड भी आ जाता है, एंड सो ऑन। सो ये तो था मसल्स के बारे में, मसल्स का फंक्शन के बारे में। अब इसकी जो क्रॉस ब्रिजिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।